उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कल रात आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद आरक्षण पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व महिला वर्ग को शामिल किया है। वहीं शासन ने आरक्षण के संबंध में संभावित आपत्तियों को 6 अप्रैल से पहले दर्ज कराने के लिए कहा है। अब हम इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की मेयर पद की 17 सीटों पर किन किन वर्गों का आरक्षण आरक्षित है। आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, ये सारी सीटें अनारक्षित हैं। सरकार द्वारा इस नए आरक्षण की सूची जारी करने के बाद कई लोगों के चेहरों पर मायूसी छा गई तो कईयों के चेहरों पर खुशियों की लहर आ गई। हम कहीं दूर न जाते हुए जनपद फिरोजाबाद की ही बात करते हैं। पहले जारी किए गए आरक्षण में जनपद फिरोजाबाद की सीट सामान्य वर्ग को दी गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य पार्टियों में मेयर पद के आवेदकों की लहर छा गई थी। इसके पीछे का कारण यही था कि काफी समय बाद फिरोजाबाद की सीट सामान्य वर्ग को मिली थी, लेकिन सरकार द्वारा आरक्षण की नई सूची जारी होने के बाद कई लोगों के सपने टूट गए और सोशल मीडिया पर लोग अपना दुख व्यक्त करने लगे। पहले भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करने वाले निकुंज शुक्ला अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखते हैं, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वहीं एक पार्षद प्रतिनिधि तो यह कहने लगे कि अब तो मन करता है कबाड़ी की दुकान खोल दूं, कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण तो कर सकूंगा, कहीं ऐसा ना हो फिर दोबारा उन्हीं को टिकट मिल जाए। इन सब प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षण की नई सूची पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।